हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी कि हम आज आपके लिए क्या लाए हैं। चलते हैं किचन की तरफ। एवरीवन, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और देखिए, दीपावली में बच्चे मीठा वगैरह खा लेते हैं, आपकी सब्जी अब्जी जो वेस्ट होती है, तो उसी की ये कचौड़ियाँ हैं जो कि सोया मेथी की सब्जी की कचौड़ियाँ हैं। तो आप लोग देखिए, अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो बनाइएगा, जरूर देखिएगा, कोई भी सामान वेस्ट नहीं होगा। आप किसी भी सब्जी की इसी तरह से कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए तो देखिए हमारी ये कचौड़ियाँ हमने कैसे बनाई है, तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। ये देखिए, हम अपनी शाम की रखी हुई सोया मेथी और आलू की सब्जी का ही आज प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने ये बनाई हुई है अभी ताजी, बट अगर शाम की रखी हुई है तो उसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम मसल लेंगे। देखिए, आपने ऐसे पूड़ी और ऐसी कचौड़ियाँ नहीं देखी होंगी। ठीक है, ऐसा नाशा नहीं देखा होगा बिल्कुल भी। बच्चे नहीं खाते हैं आपकी सब्जी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, हमने सारा मसल लिया है। और अभी देखिए, ये एक नए तरीके से बना रहे हैं हम। हमने जहाँ तक सर्च किया, हमको ऐसी नहीं मिली है अभी तक रेसिपी, तो ये हमारी रेसिपी पहली ऐसी आई है। तो आप लोग देखिएगा जरूर और प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये देखिए, ये सारा हमारा हो चुका है, मैश हो चुका है। अब हम आटा लेते हैं। ये देखिए, दो कटोरी आटा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हमारी सब्जी में भी नमक है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम डालेंगे। चाट मसाला एक स्पून। ये देखिए, अजवाइन को हम मैश करके डालेंगे। देखिए, नमक हमेशा थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि नमक हमारे चाट मसाला में भी पड़ा होता है इस वजह से। और ये देखिए, अपनी सब्जी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम डो लगाएंगे। और देखिए एक चीज और, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सब्जी में भी ऑयल था, इसलिए थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छा सा थोड़ा थोड़ा पानी करके, ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो लगा लेंगे, मुलायम। ये देखिए, हमारा डो लग चुका है मुलायम। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रखेंगे, उसके बाद में इसकी पूड़ियाँ तलेंगे। आप चाहे पराठे बनाएं, आप चाहे पूड़ियाँ बनाएं। ठीक है, और ये हमारा सर्दियों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है, बिल्कुल खराब भी नहीं होगा। और सोया वैसे भी गर्म होता है तो बच्चों को भी फायदा करेगा। तो चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं किसकी सब्जी की हम रेसिपी बताएं तो कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए, 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो चुका है, हमारा आटा सेट हो चुका है। ये हमने कटोरी में ऑयल ले लिया थोड़ा सा लगाने के लिए, तो चकले पर और बेलन पर ऑयल लगाएंगे और इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे छोटी छोटी। ये देखिए, इस तरह से हमने ऑयल ले लिया, अपने हाथों पे लगा लिया और हम इसमें से थोड़ा सा आटा का टुकड़ा लेंगे। ये देखिए, इसकी हम पूड़ियाँ आप गोल करते हुए तोड़ेंगे। ये देखिए, इस साइज की हमने बॉल ले ली है और ऐसे रोल करेंगे और इसको हम छोटी छोटी कचौड़ियों की तरह बेल लेंगे। आप चाहें तो पतली बेल सकते हैं, हम खस्ता खस्ता बनाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा वैसा रखेंगे। देखिए, इस तरह से घुमाते हुए हम बेल लेंगे और फिर इनको हम अच्छे से तेल में डाल के सेकेंगे। तो हम सारी बेलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, बेल के ऐसे रख ली, तो हम थोड़ा सा 6-7 कम से कम बेल लेते हैं, फिर फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमने बेल ली है। ठीक है, और देखिए, हमने ऑयल क्यों लगा के बेला है, आप सूखा आटा भी स्प्रेड करके बेल सकते हैं, बट हमने ऑयल क्यों लगाया है इसका हम लास्ट में आपको बताएंगे, इसके बेनिफिट क्या है। तो चलिए, अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए, पूड़ियाँ बेलने से पहले हमने अपना ऑयल चला दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें ये एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे आटे का, अगर हमारा अच्छा सा होने लगता है। देखिए, अभी नहीं हुआ, कुछ कमी है इसमें ऑयल में, तो अब हो गया। देखिए, दिख रहा है, अब हो चुका है तेल हमारा, ऊपर आ गई पूड़ी, फूल के आटा आ गया। तो अब हम इसमें पूड़ी फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए, हम अपनी कचौड़ियाँ इसमें डालेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको अलग हटा देंगे। अब इनको अभी टच नहीं करना, जब तक ये फूल कर ऊपर नहीं आ जाती तब तक इसको हमें टच नहीं करना और दूसरी पूड़ी भी नहीं ऐड करनी है इसमें। ठीक है, तो ये फूल के ऊपर आती है, फिर दिखाते हैं आपको।
ये देखिए तैर के ऊपर आ गई है। अब इसको हम पलट देंगे, ठीक है, धीरे से, और इसको अच्छा सा सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ठीक है, फूल के आई हुई है पूरी हमारी, ठीक है। अब इसको क्रिस्पी सेकेंगे, ठीक है, दूसरी डाल दी। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जब हम पूरी डालते हैं तब कढ़ाई की फ्लेम को तेज रखें, ठीक है, और उसके बाद में जब डाल दें तब उसको धीमी आंच पर कर दें, जिससे कि हमारी अच्छे से क्रिस्पी सिक जाए, अच्छे से अंदर तक सिक के आए, ठीक है। डालते समय जब तेज आंच पर डालेंगे आप तो उसकी एक अच्छी सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो तेल अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो चलें इसी तरह से हम सारी अपनी सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूली फूली पूरी आई है हमारी। डालते समय तेज गैस की फ्लेम फुल कर दें, उसके बाद में जब फूल के ऊपर आ जाए पूरी तो धीमी कर दें, और धीमी आंच पर इसको सेकें कम से कम 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। तो सारी हम सेकते हैं, फिर मिलते हैं आते। ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार है। हमने इसको दही के साथ सर्व किया है, जो कि हमारा घर का दही है, ठीक है। आप इसको चाय के साथ, पीड़ी के साथ या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या ऐसे ही खा सकते हैं। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली है, कहीं से भी कच्ची नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। बच्चे जो सब्जी नहीं खाते हैं, हरी सब्जियों से डरते हैं, तो वो भी उनकी भी चीज़ें ज़रूरतें पूरी होंगी, और बच्चे ये खाएंगे भी बहुत शौक से। तो देखिए जब पूड़ियों को इसमें तेल में हम डालें तो फुल फ्लेम होनी चाहिए, जिससे कि हमारी पूड़ियों पर एक लेयर क्रिएट हो सके तुरंत, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ ज़्यादा तेल ना सोखें, ठीक है। तो फुल फ्लेम पर पूड़ियाँ डालें, और उसके बाद में जब पूड़ी फूल जाए हमारी तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें, और धीमी आँच पर 1 से 2 मिनट के लिए सेकें और फिर सर्व करें। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।